बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महोबा जिला अस्पताल को पहले पायदान में रखा गया है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत यह है कि यहां आने वाले गरीब तबके के लोगों को इलाज मिलना तो दूर, उन्हें यहां तैनात डॉक्टर देखना भी मुनासिब नहीं समझते। जिला अस्पताल के गेट पर रोता यह पीड़ित गरीबों का अस्पताल जानकर इलाज कराने जिला अस्पताल आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस अस्पताल को गरीबों का अस्पताल कहा जा रहा है, दरअसल वहां गरीबों को इलाज इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। अजन थाना क्षेत्र के कैथौरा गांव का रहने वाला पूरन 10 दिन पूर्व अपनी छत से गिरकर दोनों पैर टूट जाने के कारण घायल हो गया था। गरीबी के चलते वह अपने गांव में ही वैद्य से इलाज कराता रहा, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। ऐसे में गांव के लोगों के कहने पर वह अपनी मौसी के लड़के विकलांग राजेंद्र के साथ इलाज कराने 3 दिन पूर्व जिला अस्पताल गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे भीड़ होने के कारण अगले दिन आने के लिए कह दिया। ऐसे करते हुए 3 दिन से लगातार पैर से घायल इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। वह रोजाना 35 किलोमीटर से दूर चलकर यहां आता है और उसको इलाज नहीं मिल पा रहा। जमीन पर खिसकता किसी तरह वह अस्पताल तक आ जाता है, लेकिन उसे तब मायूसी हाथ लगती है जब डॉक्टर उसे फिर अगले दिन आने के लिए कह देता है। ऐसे में उसके सब्र का बांध टूट गया और आज अस्पताल के गेट पर ही रोने बिलखने लगा। उसे इस बात की तकलीफ है कि जिस अस्पताल को गरीबों का अस्पताल कहा जाता है, उस अस्पताल में उस गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा। अपनी बेबसी के आंसू बहाते हुए वह अस्पताल के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वह कहता है कि आखिर क्यों उसे बार बार अस्पताल से बिना इलाज के लौटाया जा रहा है। उसके साथ इलाज कराने पहुंचा मौसेरा भाई राजेंद्र बताता है कि वह खुद विकलांग है और उसे विकलांग होने का दर्द पता है, इसलिए पैरों से असहाय हो छूके पूरन के लिए 3 दिन से लगातार अस्पताल आता है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल की लापरवाही की खबर लगते ही CMSRP मिश्रा ने पूरे मामले में इलाज दिलाए जाने की बात कही है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर क्यों सरकारी अस्पताल में गरीबों की सुध नहीं ली जा रही। मीडिया के दखल के बाद घायल को इलाज मिलना शुरू हो गया है। महोबा उत्तर प्रदेश से ब्रजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। एक पेशेंट पुराना फ्रैक्चर है उसको, लेग में है, पैरों में, एक्सरे में आया है, वो है तो लग रहा है कि ऑपरेशन लायक है वो, क्योंकि एडल्ट है और लेग में है, और जैसा कि सर्जन ने बताया अभी उसको जो है दवाइयां डॉक्टर पुरवार द्वारा पहले दी जा चुकी हैं, और उसके बाद जो है अभी उनको डॉक्टर जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं वो चले गए हैं विकलांग बोर्ड में, अभी कुछ आधे घंटे पहले विकलांग बोर्ड में चले गए हैं। इसके बाद जो है सर्जन को दिखाया गया है, सर्जन साहब ने उसको प्लास्टर वगैरह के लिए कहा है तो अभी करवा दिया है मैंने इमरजेंसी में। कल्ला तुम्हारा भैया पूरन कहाँ के रहने वाले? कैं थोड़ा आगे। क्या घटना हो गई, कैसे यहाँ पे? लेंटर से घर गए। यहाँ क्यों बैठे? यहाँ इसलिए बैठे के 3 दिन से आ रहे और नौ साथ दवा नहीं कर रहे और डेली कहते हैं कल आना, आ जाना, जे वो भाई यही बहाने करते हैं बस। कब गिर गए थे लेंटर से? क्या हो? 10 दिन हो गया। कहाँ रहे थे? ऊपर लेंटर पर लेटे थे हम, सुबह सुबह घर गए। इतने दिन तक कहाँ रहे? देसी दवाई बनवाई तो उसमें आराम लगा, हमने सोची अब महोबा जाए, कोई याद मन ने बताया कि यहाँ नहीं वहाँ पैसे ही लगना है, अब पैसे की मान लो है नहीं, दिक्कत परेशानी, माँ बाप है परेशानी है, तो हमने सोची महोबा चले जाए हम। तो महोबा आए 3 दिन से कह रहे कल्ला ने पैसों आया, तो ये थोड़ी नहीं कि कल पैसों आते ही रहेंगे बिल्कुल। आज कह रहे मैंने कह रहे कल्ला ना, आज फिर कह रहे कि कल्ला ना, तो डेली यही करते है कल ना पैसवाना। कितने दिन हो गए तुम्हें अस्पताल में घूमते घूमते? यहाँ 3 दिन हो गए।
तीन दिन से कोई सुनाई नहीं है यहाँ, कोई सुनाई नहीं है अस्पताल में, कोई सुनाई नहीं है। अभी कहाँ बैठे हो? अस्पताल में बैठे। शिकायत किया आपने? हाँ, डॉक्टर साहब से हमने पर्चा कटवाया, पर्चा कटवाया जी, हमारे पास पूरा सबूत है। हमने आपको क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारे प्लास्टर नहीं चढ़ा रहे जी। क्यों नहीं चढ़ा रहे हमें बताओ ना, क्यों नहीं चढ़ा रहे? आप भी सोचो क्यों नहीं चढ़ा रहे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या है क्या नहीं है? कितनी दूर से आना पड़ रहा है? हाँ, 35 किलोमीटर डेली आते हो जाते हैं। हम कैंथोड़ा के लेने हैं, बेलताल कैंथोड़ा एक ही गांव है मान लो। 35 किलोमीटर से डेली आते जाते, तो बताओ मजदूर आदमी ऐसे क्या करेंगे, कहाँ तक ऐसे पैसे लगाएंगे, तुम ये बताओ। और नहीं करना है तो सब मने कर दो करने, ये मत कहो कि कल लाना पैसों आना, सब नहीं करना तो सब मने कर दो कि नहीं हो पाएगा काम, हम चले जाएंगे अपने गांव। बस समस्या होगी जी, हमारी मौसी लड़का है इसको लगी चोट, साहब जी बोले भैया रहता महुआ में इलाज करवा देगा, तो साहब सब कुमार को आए थे, स्वयं को हम इलाज करवाओ, तो डॉक्टर साहब कहते गए लेट हो गए हैं छुट्टी, परसों सोमवार को आना इलाज हो जाएगा। अब वो आज कह रहे हैं कल फिर आना, तो भैया हमारा तो भैया हमें तो लगा कि हम भी बिकलांग हैं, हम अपनी मजबूरी समझते दूसरे की, इसलिए हम एक साथ फिर रहे हैं। हमारे घर बूढ़े माता आई वहाँ चल नहीं पाए, हम क्या करें, हम ये चल जितना सपोर्ट कर हम करें, तो साहब हम चले आए हैं, कहीं ले भी सकते हैं हम, इतनी साहब जी है डॉक्टर साहब कहते कल होगा इलाज, आज छुट्टी है, कोई लड़का यहाँ पे कर्मचारी नहीं आया है, इसलिए कल होगा इलाज। इससे पहले हम शुक्रवार को आए थे साहब, तो हमने कहा साहब इलाज पर्चा हमने एक्स्ट्रा करवाया था, एक्स्ट्रा करने के बाद डॉक्टर साहब के पास गए, बोले एक काम कर बेटा टाइम हो गया है, अब तुम परसों आना, परसों आपका इलाज सोमवार को इलाज हो जाएगा आपका। आज कह रहे कि आज छुट्टी है, गया से आज कल आना, कल हो जाएगा। सामने ठीक डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टर हम तो डॉक्टर हैं, आप जैसा वैसा करेंगे, हम तो मजबूरी के फंसी बेचार रो रहे हो आपका। कौन है जो घायल है, क्या नाम है इसका? इसका नाम पूरन है। कौन है आपका? हमारी सगी मौसी लड़का है। कहाँ रहता है? क्या थोड़ा काम का है साहब?